हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। सो देख लेते हैं आपकी करेंट सिचुएशन किस प्रकार है एंड डेफिनेटली अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स फॉर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके करेंट सिचुएशन किस प्रकार है। वॉट इज़ द करेंट सिचुएशन? यूनिवर्स फॉर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है। यूनिवर्स के गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन? सो वी डू हैव द एस ऑफ कप्स, ओके। सो वी डू हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। We do have 3 of coins. हमारे पास यहाँ पे है 9 of coins. और हमारे पास है यहाँ पे Queen of Wands. Bottom of the deck हमारे पास है Page of Swords. Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है। We do have Aries, Leo and Sagittarius. मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है। We do have यस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पे है। 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9, ओके, आर इम्पॉर्टेंट नंबर्स, दैट इज 3, 6 एंड 9। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे आपके मन में कुछ ऐसा ही चल रहा है थॉट्स कि अगर मैं डिसीशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ शायद मैं अपने फेवर में, शायद मैं अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हूँ या प्रायोरिटी दे रहा हूँ बोल के मैंने अपने फेवर में डिसीशन लिया, बट मेरे डिसीशन के वजह से शायद लोगों को इफ़ेक्ट हो सकता है। सो आप क्या करेंगे आपको पता नहीं चल रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा राइवलरीज, ऑपोजिशन, ये सारे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे वो आपकी ज़िंदगी में दोहराया जा रहा है। बार बार आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार आपकी सिचुएशन कुछ उस तरह से ही जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यू वॉन्ट टू बिल्ड अप न्यू, यू कैन से दैट एंटरप्राइज फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू स्टार्ट अप अ न्यू, ओके, एजेंसी आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई ऐसा जॉइंट पार्टनरशिप आप स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको अप्रूवल चाहिए, आपको परमिशन चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए, तो अब वो आपको, आपको पता है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या आप इनफ, मतलब पूरी तरह से सफिशिएंट आपको प्रॉफिट आप कमा सकते हैं? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी, ओके, दैट यू विल अर्न, ओके, इन ह्यूज अमाउंट? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल साइड है वो पहले इम्प्रूव हो जाए। आपके बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग छानबीन करते हैं, someone is stalking you, someone is spying on you, but you want to know the details about that person. आप जानना चाहते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. And next is like that, आप कोई videos online में post करना चाहते हो, you want to open a channel, maybe you want to open, okay, a channel where you can train people. आपकी age ज़्यादा नहीं है लेकिन आप सारे एज ग्रुप को ट्रेन करना चाहते हैं, मे बी डांस, मे बी एनी टाइप ऑफ आर्टिस्टिक, ओके, यू कैन से एनी टाइप ऑफ सेक्टर्स लाइक म्यूजिक, डांस, पोएट्री, एनीथिंग लाइक दैट, हैंड राइटिंग स्किल्स या टीचिंग स्किल्स, कुछ भी ये हो सकता है, साइंस फील्ड, कॉमर्स, एनीथिंग इट कैन बी। सो आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, मे बी यू वॉन्ट टू टीच पीपल, यू वॉन्ट टू ट्रेन पीपल, यू वॉन्ट टू इंस्ट्रक्ट पीपल, ठीक है, चाहे आपके पास 5 से 6 स्टूडेंट ही क्यों ना हो लेकिन आप करना तो चाहते हो, आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ है और आप उसको लेके आना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक।
एंड आई डू थिंक सो दैट आप काफ़ी क्रिएटिव प्रोफेशनल है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड भी है, यू आर क्वाइट एनालिटिकल ऑल्सो। लोग भले ही आपकी मासूमियत जो है, आप मासूम हैं, मासूमियत से आप उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एनालिसिस आप नहीं कर सकते, आप उतना शार्प नहीं हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर टैलेंटेड इनफ बट मे बी यू डोंट शो ऑफ। सो देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर श्योर, व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर श्योर विद इन द नेक्स्ट 7 days, व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर श्योर, व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर श्योर। ओके, सो दिस इज द लेडी। ओके, यहाँ पे है प्रोटेक्शन। ओके, वी डू हैव, देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे 47, ऐसे भी वो 11 में आ रहा है एंड यहाँ पे भी है 11। ओके, वी डू हैव द स्वान, द वुमेन विद द स्वान एंड वी डू हैव द रिंग मास्टर। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days, ओके 1441, यू कैन सी क्वाइट ऑफन मास्क यहाँ पे है। मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपकी बहुत सारे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप दिखाते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट आपके जो एक रंग रूप है, अलग अलग आपकी जो पर्सनैलिटीज है वो बहुत ही अच्छा है। क्यों? आप जैसा जैसे आपके पर्सनैलिटीज है आप वैसा वैसा ही आप बिहेव कर सकते हैं, राइट। विद इन द नेक्स्ट 7 days पीपल विल सी यू एज इन डिफरेंट पर्सनैलिटीज, जिस तरह से डिफरेंट गेटअप में लोग कितना अच्छा पोर्टफोलियोज बनाते हैं, कभी इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से हाउसवाइफ, कभी इन द फॉर्म ओके ऑफ अ डॉक्टर, कभी इन द फॉर्म ऑफ लॉयर, जैसे पोर्टफोलियोज बनते हैं, अलग अलग पोशाक, अलग अलग आउटफिट्स, अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग पर्सनैलिटी टू कैरी वन सेल्फ इन डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सो पीपल विल एक्चुअली अप्रिशिएट यू एंड डेफिनेटली आप अपने अंदरूनी जो ताकत है उसको भी आप रीडिस्कवर करेंगे। आपको ऐसे भी जान के बहुत ज़्यादा आप मतलब शॉक्ड होंगे क्योंकि आई हैव दिस साइड ऑल्सो जो शायद छुपा हुआ है लोगों के नज़र से, और मुझे ये साइड भी लोगों के सामने लेके आना है। मे बी यू आर टू हम्बल, यू आर टू ओपन माइंडेड, यू आर सो सिंपल, बट मे बी दे हैव नॉट सीन योर स्ट्रिक्ट साइड। सो हो सकता है कि आप अपना जो स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है उसको भी आप सामने लेके आओ। एंड डेफिनेटली आई कैन फील लाइक दिस, यू नो व्हाट, कि आपके जो कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आप रिसोर्सेस आपका कम था, आपके पास चीज़ें कम थी, आप जो है सफिशिएंट नहीं था, अबंडेंस वहाँ पे नहीं था, और आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में ना वो अबंडेंस फ्लो होना स्टार्ट होगा। बहुत सारे अगर आप डेब्ट्स जो थे, ठीक है, वो बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे उधारी लिए थे लेकिन चुका नहीं रहे थे, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट बैक, यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन साइंस, ऑल राइट। और आप जो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे थे वो एक वार्निंग सिग्नल था कि आप उलझते जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सो यू विल ऑल्सो गेट साइंस दैट यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स। आप सुरक्षित हैं और आप हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे, ये यूनिवर्स से आपको वो एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट आई टोल्ड यू दैट पीपल विल सी द मैजिकल साइड इन साइड यू, ठीक है, एंड पीपल विल अप्रिशिएट योर टैलेंट, योर ब्यूटी, योर कॉन्फिडेंस, योर एटीट्यूड, ये सारे चीज़ों को लोग जो है जब उनको पता चलेगा दैट यू आर दिस, सो डेफिनेटली, और वो झलक दिख, मतलब जो है ना लोगों को दिख जाएगा वो चीज़, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, आप तो अपना नॉर्मल जो काम है उसको करते रहेंगे, बट पीपल विल जस्ट नो इट। I can also see like that there can be some evil-minded people like this lady who can come in the form of a very good friend या any role. So आपको इनसे थोड़ा सा सावधानी, ठीक है, आपको careful रहना चाहिए क्योंकि ये इंसान जो है एक जो आप देख रहे हैं personality या इनका जो हाव भाव है,
यू विल फील दैट दिस लेडी इज सो स्वीट सो सॉफ्ट बट अल्टीमेटली यू विल रियलाइज दैट दिस लेडी इज जस्ट नथिंग अदर देन एन ईविल एनर्जी. सो ये कहीं पे भी हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, कहीं पे भी आपके आस पड़ोस में हो सकती है. सो बेटर बी वेरी केयरफुल ओके ऑफ दिस लेडी. ना वहाँ से भी हम देखेंगे, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग लेंगे, कोचिंग सेंटर्स में जाना शुरू कर देंगे, जो आपने एक बार छोड़ दिया था कि नहीं मुझे अभी एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम नहीं देना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना, तो मैं जाना बंद कर देता हूँ बंद कर देती हूँ, या ऑनलाइन पे आप फिर से एनरोल कर लेंगे, या कोई नया प्रोग्राम के लिए, मतलब एकदम यू कैन से लाइक दैट इट्स अ न्यूली डेवलप्ड कोर्स, ठीक है, तो आप उसके लिए जैसे होता है ना कि इट्स लाइक प्रोग्राम लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सब्जेक्ट्स रिलेटेड एनीथिंग इट कैन बी. सो लेट मी सी, यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज गाइड करें. What is going to happen? Okay. So basically आप ये भी सीखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से क्लिंगी रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी स्पेस देना है, उनको भी समय देना है, एंड देन यू विल रियलाइज द रियल लव. कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, जो जल्द से जल्द एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अंदरूनी चाहत उनका होता ही है, शायद वो नहीं दिखा पाते. सो ये भी आप रियलाइज करेंगे. ओके, प्लेफुलनेस. सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट अगर आप ऑलरेडी एक हैप्पीली मैरिड कपल है, या अगर आप कपल है, राइट, सो यू विल एन्जॉय गुड टाइम्स विद ईच अदर एंड योर पर्सन ओके विल अप्रिशिएट यू. एंड ना जाने क्यों आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बदल चुका है या बहुत ज़्यादा बदल चुकी है. यहाँ पे किसी के साथ आपका रिलेशनशिप जो है एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा. अगर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट में देख रही थी इन योर करेंट सिचुएशन, या बातें नहीं कर रहे थे, आप इंट्रोवर्ट हो गए थे, ठीक है, सामाजिक प्रेशर के वजह से या आस पड़ोस में कुछ ऐसे ही चल रहा था, सो देयर विल बी डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड